हो चुके थे, लेकिन हिना साहब ने हमारी बहुत मदद की है। हम लोग उनके ऋणी हैं और ओम प्रकाश लोकतंत्र की जीत है, गरीबों की जीत है, पिछड़ों की जीत है। इस जीत ने ये साबित कर दिया कि सरस्वती बड़ी है, विद्या बड़ी है, धन बड़ा नहीं है। ये बाहुबल की हार है, धन बल की हार है। अगर क्या हुआ, विश्वास प्रस्ताव लाया गया था आप लोगों के द्वारा, क्या बबलू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, हम लोग पक्ष में रहा। जिस तानाशाही के खिलाफ हमने लड़ाई स्टार्ट किया था, हम लोगों ने सीमान के विकास के लिए जो विनाश में चला गया था सीमान, उस पर सीमान वासियों का सहयोग से हम लोग आज जीत गए। अध्यक्ष जो पुरानी हमारी अध्यक्षता थी वो हार गए। अविश्वास प्रस्ताव किसके किसके खिलाफ लाया गया? ये हमारे श्रीमती सिंधु सिंह नगर सभापति और श्री बबलू प्रसाद बबलू साह उप सभापति, उनके खिलाफ था जो वो गिर गया। विश्वास प्रस्ताव गिर गया कि पास हो गया? पास हो गया, मतलब विश्वास प्रस्ताव पास हो गया, हम लोग फेवर में आ गया। वो लोग हट गया अपने पद से, वो लोग हट गया से। आज एक बात और बात बताते हैं, हम लोग बहुत ही कल निराश हो चुके थे, लेकिन हिना साहब ने हमारी बहुत मदद की है। हम लोग उनके ऋणी हैं और ओम प्रकाश यादव। ये माना जाए कि ओम प्रकाश यादव और हिना साहब अभी खो रहे हैं। एक बात नहीं, ये बात नहीं माना जाए। ये 38 पार्षदों कोई सिंबल पर चुनाव लड़के नहीं आता है। ओम प्रकाश यादव या हिना साहब और अब्बासो प्रसाद, इनसे व्यक्तिगत हमारा संबंध है। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर हमारी मदद किया है। हम सभी इन तीनों नेताओं के ऋणी है और जिंदगी भर ऋणी रहेंगे। गहमी तो था, पारित हो गया है। ये मेरे दोनों भाई हैं, इनका भी अहम रोल है इस अविश्वास प्रस्ताव पारित करने में। मैं दोनों भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं और सिवान के जनता और नेताओं को और सारे मेंबर साहब को जो आए थे, नहीं भी आए थे, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति ये भी जो सब हम लोग मिल बैठ कर नया अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनेंगे। आवाज मत लगाइए आप लोग, आवाज मत लगाइए।